अगर आपके घर के आसपास कोई मोबाइल टावर होगा तो आपके घर में ऐसी चर्चा कभी ना कभी उठी होगी कि आखिर जो भी आपके घर में हेल्थ इशूज आ रहे हैं वो उस टावर की वजह से ही हो रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक इट। अगर मैं आपके फ़ोन की बात करूँ तो वो सारे फ़ोन आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। वो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं या जो भी रिसीव करते हैं वो सब कुछ वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही करते हैं और ये सब कुछ कम्युनिकेशन आपका रेडियो वेव्स पे होता है और रेडियो वेव्स आपका एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। और ऐसा नहीं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके लिए बहुत नई है, आप पहले से देख लें कि आपका टीवी, आपका रेडियो सब कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ही काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि मोबाइल के आने के बाद आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके फ़ोन में यूज होता है और ये सारा कुछ आपका कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के अंदर होता है और रेडियो वेव्स आपका एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपका टर्म आता है रेडिएशन। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि रेडिएशन क्या है, कितना रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल है, कितना आपके लिए उतना हार्मफुल नहीं है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आपको आयोनाइज्ड, एक आपको नॉन आयोनाइज्ड। तो सबसे पहले हम आयोनाइज्ड की बात कर लेते हैं। आयोनाइज्ड आपका बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है उसके अंदर, जिसके अंदर आपका यूवी रेज, गामा रेज या फिर आपका एक्सरे इसके अंदर आता है। ये आपके किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकता है, आपके डीएनए को ब्रेक कर सकता है और ये आपको एक तरह का कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन इसका हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज लेते हैं या फिर अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर में यूज करते हैं यूवी रेज का। एक लिमिटेड एक्सपोजर देने की वजह से हम लोग आयोनाइज्ड ईएमएफ का यूज कर पाते हैं। और वहीं हमारा नॉन आयोनाइजिंग ईएमएफ की बात कर ले तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, वो आपके केमिकल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है और वो आपको उतना हार्मफुल भी नहीं है आपके बॉडी के लिए। तो इस नॉन आयोनाइजिंग ईएमएफ के अंदर ही आपका आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी और इसमें ही आपका आप लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ की चीज़ें, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया या फिर आपका सेलफोन हो गया, वाईफाई हो गया, ये सारा कुछ आप लोग नॉन आयोनाइजिंग ईएमएफ के अंदर यूज करते हैं। तो आज हम लोग बात ये कर रहे थे कि आपका टावर आपके लिए कितना हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए। तो हम लोग ये जान लें कि तो आपका जो फोन बना होता है वो आपका लो पावर्ड बना होता है, मतलब कि जो भी आपका नेटवर्क आपके पास में होगा वो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर दो आपका नेटवर्क है और आप अगर किसी एक नेटवर्क के ज़्यादा करीब हैं तो वो उससे जुड़ जाएगा आपको एक बेहतर कम्युनिकेशन देने के लिए, आपको एक बेहतर कॉल्स प्रोवाइड करने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके फ़ोन में पावर का लॉस कम होता है, दूसरा ये कि आपका इसमें लो एम फील्ड होता है, तीसरा आपका कॉल रिसेप्शन इसमें अच्छी हो जाती है। वहीं अगर आपका टावर आपके फ़ोन से काफ़ी दूर हो तो आपके फ़ोन को ज़्यादा पावर यूज करना पड़ता है, इसमें ई एम फील्ड भी ज़्यादा हो जाती है, आपके कॉल का रिसेप्शन भी उतना ढंग का नहीं रह पाता है। तो सिंपली ये कहना है कि अगर आपका टावर आपके फ़ोन के बहुत करीब है, आपके घर के आसपास है, तो वो आपके लिए बेहतर है, आपके कॉल रिसेप्शन के लिए बेहतर है और आपके हेल्थ के लिए तो ये कोई इशू क्रिएट नहीं करता, वो हम लोग देख ही चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे WHO कह रहा है। WHO ने पिछले 30 साल में 25,000 आर्टिकल छापे हैं और उसमें ये कहा गया है कि ऐसा अभी तक कोई एविडेंस पाया नहीं गया है कि जिसमें कोई ऐसे हेल्थ कंसिक्वेंसेस दिखाई दें जो कि काफ़ी हार्मफुल हो और जो कि टावर की वजह से हुआ हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पे सब कुछ अपने नियम के हिसाब से चलती है, हर कुछ का एक स्टैंडर्ड होता है, हर कुछ का एक नॉर्म्स होता है। तो आखिर आपके फ़ोन से कितना ईएमएफ रेडिएशन हो रहा है, इन सबको देखने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको कि हमारा देखता है ICNIRP। और इसकी अगर फुल फॉर्म की हम लोग बात कर ले तो यह है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो ये आपको एक नॉर्म सेट करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि आखिर आपके फ़ोन से कितना रेडिएशन एमिट होना चाहिए और इंडिया इस स्टैंडर्ड के बिलो है, मतलब ये कि तो जो भी इसका स्टैंडर्ड है इंडिया उसके काफ़ी नीचे है, मतलब इसका ये कि इंडिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसको लेके और उसका जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे बहुत कम इमिट करता है रेडिएशन, जो कि काफ़ी बेहतर है हम लोगों के लिए रेडिएशन को लेके। हालांकि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आप फ़ोन में यूज करते हैं उससे कोई आपका रेडिएशन तो कुछ खास ऐसा आपके हेल्थ पे कोई असर डालता तो है नहीं, लेकिन वो आपके टिश्यूज पे थोड़ा हीट जनरेट कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग अपने फ़ोन के साथ ईयरफोन यूज कर ले बात करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि जो भी हमारा जो टावर है वो आपको मतलब ह्यूमन बींग्स को और जो भी एनिमल्स हैं उनको तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, उतना ज़्यादा क्या इनको इनसे कोई आपको कोई डिजीज नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम लोग बर्ड्स की बात कर लें तो ये तो तय है कि हम लोगों ने देखा है कि बर्ड्स के पॉपुलेशन में काफ़ी कमी आई है, इसकी वजह टावर है या नहीं है ये कहना भी मुश्किल होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो आपका टावर है वो बर्ड्स का जो एक नेचुरल नेविगेशन एबिलिटी होती है उसके साथ ये छेड़छाड़ करता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं हो सका है अभी तक, देखते आने वाले समय में कि इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये बात गलत है, तो इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ तक इस वीडियो का टॉपिक था कि आखिर आपके लिए टावर कितना हजार्डस है आपके लिए, तो ये बात तो पक्की है कि आपके स्वास्थ्य पे इस टावर का उतना कुछ असर नहीं हो रहा है जैसा कि हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में देखा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।